एक्शन। शकील सिद्दीकी जैसा बड़ा फनकार उसे बनाने में आपने कहा है अक्सर अपने इंटरव्यूज में, उमर शरीफ और मोइन अख्तर कहा है, क्या कोई ऐसा मशहूर मारूफ कॉमेडियन जिसे शकील सिद्दीकी ने बनाया? शकील भाई, कहा जाता है सीनियर्स अपने जूनियर्स को बोलने नहीं देते, खास तौर पे स्टेज पे, इसकी क्या वजूहत इनमें से हैं जो मैं बताने लगा हूँ कि क्या बोलना है? जो भी बोलना है मुझे बता दे, मैं खुद बोल देता हूँ। तो रोका तो गया है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पानी और टैलेंट रुकता नहीं है, बंद तोड़ के निकल जाता है। कि पैसे लेके हसाना इबादत में शुमार होता है या फी सबीलिल्लाह? कि अपने बच्चों को घास खिलाएं। कपिल शर्मा शो, पाकिस्तान में तमाम बड़े बड़े कॉमेडियन इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा कॉन्सेप्ट था। ये किसका कॉन्सेप्ट था मुझे ये बता दो। मेरा एक शो था जिसका नाम था बन्नो तेरे अब्बा क्यों शेवेली, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट था फैसल, वो आजकल अमरीका में है, वो लेके आया था, इसका होस्ट मैं था। पासपोर्ट की वैल्यू अमरीका से बनती है और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती है, ये बात सही है? अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीनों हज़रात, मैं हूँ नादिर अली और आज जो शख्सियत बतौर मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका तारुफ कुछ मैं शायरी से करना चाहूँगा कि तेरे चेहरे पे मुहासे और कील बन जाऊँ, तुझे इतना सताऊँ कि नादिर से शकील बन जाऊँ। शकील सिद्दीकी, अकेला ना बजा, बुरा लग रहा है। सर ये समझ ले पूरा पाकिस्तान मेरे साथ बजा रहा है आपके लिए। थैंक यू, पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया भाई। कैसे हैं शकील भाई? मैं पहली दफ़ा किसी यूट्यूबर को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये एजाज मेरे पास आ गया, इसका मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में। सर थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे आए, आई लव यू, बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो होता है ना कि यार अच्छा 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 तूने पकड़ लिया, वाह, इसको मैं अपना एजाज समझूं? नहीं, इसको तू अपनी चीटिंग समझ। चीटिंग चीटिंग। शकील भाई, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हमारे कॉमेडियंस की भी गलती है? वजह यह है कि जिस कॉन्सर्ट में आतिफ असलम सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, क्या हमारे उमर शरीफ साहब को उस कॉन्सर्ट में आतिफ असलम से ज़्यादा पैसे मिले? ये तो फिर भी अब बेहतर हो गया है। और ये देखो, इसमें भी बोलेंगे ना, ये लाफ्टर शो कहाँ शुरू हुआ? इंडिया में, कॉमेडियन को लेके इंडिया में शुरू हुआ ना ये कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान में एक चैनल ने किया है और पाकिस्तानी कॉमेडियन को बेस बना के चीज़ को उठाया। हाँ ठीक है ना, मुकाबला करा के, ये करा के, उसके बाद कॉमेडियन की इज्जत बढ़ गई, वरना कॉमेडियन पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इंडिया में दोनों में, अच्छा दोनों में कॉमेडियन फिलर होते थे कि तीन सिंगर गा चुके यार 15 मिनट के लिए कॉमेडियन भेज दो रिलीफ के लिए, क्या गाना सुन सुन के थक गए होंगे तो अब थोड़ा हंसी, एक फिलर होता था। समझ गया। फिर एक जमाना आया कि सिंगर फिलर बन गए, बीच में एक सिंगर 5 कॉमेडियन, नहीं मैंने शो किए। वो एक कौन था फिलर? मतलब कोई भी सिंगर ले लो, अच्छा नाम नहीं ले रहा, कोई भी सिंगर ले लो, बड़ा मशहूर मारूफ, मारूफ भी मशहूर भी, और वो बीच में एक दो गाने गाए उसने, फिर आखिर में एक दो गाने गाए, बाकी कॉमेडी होती रही। तो ये वक्त भी आया। अब कॉमेडियन की फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। कोई देखिए, इज्जत अल्लाह के हाथ में, वो जितना देना चाहे उतना ही देता है। क्या पब्लिक पे हाथ में थोड़ी है, वो तो ना किसी को इज्जत दे सकते हैं ना बेइज्जत कर सकते हैं। क्या खूबसूरत, क्योंकि अल्लाह ने ये दो चार चीज़ें अपने हाथ में रखी हुआ ना, ये तो दुनिया तहस नहस हो जाती। क्या खूबसूरत, रोज़ी रिज़्क रोटी इज्जत, ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, सुकून अपने हाथ में रखा है। शकील भाई, एक आप कॉमेडी का वहाँ मुकाबला जीते थे जिसमें मुझे याद पड़ता है जावेद अख्तर जज थे, शेखर सुमन थे और सरोज उस्तादों का उस्ताद, उस्तादों का उस्ताद, उसमें कपिल शर्मा को आपने बीट किया था। सब बहुत सारे थे, कपिल शर्मा क्योंकि एक हाईलाइटेड नाम है इसलिए, और भी हाईलाइटेड थे, चंदन था, राजू ठाकुर था, लाला था, कपिल को फाइनल में बीट किया था, ये सब फाइनल जीते हुए एक एक शो जीत के आए थे सारे। उसमें बाकायदा आपको गाड़ी भी इनाम में मिली थी? नहीं, उसमें 20 लाख रुपए मिले थे। बाकायदा मिले थे या जिस तरह यहाँ तो नहीं 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 वहाँ नहीं होते सब, वहाँ दे देते। ये मौजूद ख़वातीनों हज़रात, आप यकीन करें, उस्तादों का उस्ताद में जब शकील भाई ने परफॉर्म किया था और हमारा दिल इतना बड़ा हो गया था कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस। जावेद अख्तर, तो जावेद अख्तर नाम है ना, वो तो ख़ानदान के जनाजे याद करके बैठे हुए थे, वो किसी की भी परफॉर्मेंस पर हंस नहीं रहते, लेकिन शकील भाई ने उन्हें अपने वन लाइनर से इतना हंसाया, मुझे आज तक याद है, बल्कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। हाँ वो बहुत हंसे थे, नहीं हंसते हैं वो नहीं, अच्छी बात है वो भी। हाँ वो देखो, वो एक राइटर है, उसको हंसाना आसान नहीं है किसी, और ऐसा राइटर है, कमाल राइटर है, शोले फिल्म से लेकर कई फिल्में लिख दी, ठीक है ना, गाने ऐसे ऐसे लिख दिए, शायर भी बहुत अच्छे, तो उनको हंसाना मुश्किल काम है। और वो बा मकसद कॉमेडी पे हंसते हैं, बे मकसद कॉमेडी पे नहीं।
शकील भाई जितने भी ड्रामे आप लोगों ने आज तक किए वो उमर शरीफ साहब उसमें मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक ड्रामा जिसमें उमर शरीफ साहब नहीं थे और वो सुपर हिट हुआ था, सबका भला सबकी खैर, बहुत सारे हमारे ड्रामा था, हम साथ साथ हैं ऐसे कुछ ड्रामा, उमर शरीफ साहब नहीं, नहीं वो उमर भाई अलग कर रहे थे, हम अलग कर रहे थे, मैं सिकंदर और लाला, मेरा लिखा हुआ खेल था, सबका भला सबकी खैर तो सुपर हिट गया था, बहुत सारे हैं ड्रामे, देखिए उमर भाई से पहले भी बहुत चीजें सुपर हिट गई थी, उनके बाद भी जाएंगी, उनके अब नहीं बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में का देखिए, आप लोगों के साथ उनका काम यूं जुड़ता है, नाम जुड़ता है, अलग काम था ना, उमर भाई का एक अलग काम था, देखो दुनिया में एक बात याद रखना, कैसे जमीन खा गई, बड़े बड़े लोग खा गई, लोगों ने कहा ये चला जाएगा तो क्या होगा, अल्लाह ताला रोकता थोड़ी, दुनिया का निज़ाम चलता रहता, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना, आज हम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई और डॉक्टर आए जो उनसे बहुत बड़े हों, तो अल्लाह ताला भेजेगा बेशक, तो ये दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, बात यह कि उनसे हट के भी बहुत ड्रामे हुए, उनके साथ भी बहुत ड्रामे हुए, उनके साथ जब करते थे तो सीखने का मौका मिलता था, जब उनसे सीख जाते थे तो अपना भी कर लेते थे। शकील भाई माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती है, मतलब जो हमारा कंटेंट है, जो आपने जितना काम किया सभी अच्छा है, लेकिन अगर आपसे मैं पर्सनल पूछूं पाकिस्तान की सतह का स्टेज ड्रामों में आपका कौन सा फेवरेट है? जाहिर है बकरा किश्तों से मुझे तीली। बूम मिला तीली, हाँ, और आज तक मुझे उसी नाम से जानते कई लोग, कई लोग तो यही बोलते, वो मेरा फेवरेट ड्रामा था। ठीक है ठीक है, जिससे मुझे किसी से सुना था ये कि एक टाइम आया था तीली की आवाजें ऑडिटोरियम में गूंजती थी, तीली तीली, वो देखिए हर आदमी का वक्त आता है ना यार, बात यह है कि दुनिया में हर इंसान, अच्छा लोग कहते हैं कि अल्लाह में एक चांस देता है, हाँ। ये ना बोला करो, अच्छा हर सांस एक चांस है, आए हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, ये लोग बकवास कर देते हैं, क्या अगली सांस नहीं है क्या कर लोगे, तो हर सांस एक चांस है, हर चांस एक चांस है, बहुत प्यारी बात भाई, बहुत अल्लाह ताला एक चांस थोड़ी देता है, जिंदगी जी रहे ये चांस पे ही जी रहे हम, क्योंकि हर आदमी अपने सीने में एक बम लेके घूम रहा है, दिल के सूरत में कब पड़ जाए हार्ट अटैक आ जाए, क्या प्यारी बात, ठीक है ना, तो ये सब बहुत सारी चीजें हम बकवास कर देते हैं, जैसे ही जैसा पैदा नहीं होगा, अल्लाह में एक चांस देता, अल्लाह तो तुम्हें इतने चांस देता है, तुम अवेल तो करो, बकवास कर देते हो कि अल्लाह मियाँ एक, अल्लाह एक है, अल्लाह अपने बंदों को हर लम्हा चांस देता है, अल्लाह मियाँ इतनी छूट देता है कि शायद अब मेरा ये बंदा सुधर जाए, इसको ज़िंदगी दे दो, मेरी तरफ लौट के आए तो पाक साफ हो गया, अल्लाह तो वो है। मौज़ूज़ ख़वातीनों हज़रात, हम लिखा हुआ बोलते हैं, कभी कभी कुछ आमद होती है तो खुद भी लिख लेते हैं बोल लेते हैं, लेकिन शकील सिद्दीकी साहब उनमें से हैं जो बोलते हैं दुनिया लिखती है। शकील भाई हमने भी, मेरे भी, मेरी लाइन दोहरा रहा है ना, माशाल्लाह शकील भाई ये लाइन आप पे भी बनती है, आपने अपने सीनियर्स के लिए बोली, हमने आपके लिए बोली, आपके लिए कोई और बोलेगा, ये देखिए मोहब्बत है, रिस्पेक्ट जितने आप अपने सीनियर के करेंगे, मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे उमर भाई को, मैं अपने अब्बू और उमर भाई के सामने आज तक सिगरेट नहीं पी, अच्छा जवान बच्चों का बाप हो गया, लेकिन रिस्पेक्ट इतनी करता था और आज भी इतनी ही है, मरने के बाद भी अब ज़्यादा हो गई है कि मैं उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, शकील भाई दोनों हाथों से आपको सलाम पेश करता हूँ, नहीं दोनों टांग भी उठा ऊपर, हाँ जी दोनों टांग भी उठा चारों से शकील सिद्दीकी मौजूद खवातीनों हज़रात, ये मैं कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनमें सेल ज़्यादा डले हुए हैं, उनमें से एक है शकील भाई, इनको रोका नहीं जा सकता, और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, इनको सेहत की दुआ दिया करो, दे ना दौलत की, हाँ जी ना दौलत की ना किसी चीज के भला करो, इज्जत और अल्लाह सेहत, वाह वाह वाह, ये जिंदगी दे सेहत के साथ और अल्लाह इज्जत दे, क्या बात है, क्या बात है, इज्जत तो सर आपको मिली है, दौलत भी आ जाएगी, फिर बहुत मिली है इस चीज में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपका बनता है, और सेहत माशाल्लाह आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल देख रहे, आज तक हम आपको देखते आ रहे हैं, 40 साल का हूं लगता है, तकरीबन बेबी समझा करो से हम देखते 40 साल का हूं आज लगता हूं, हैं 40 साल का, 40 साल का, आपने रातें निकाल दी शकील भाई, आपने कैलेंडर आपका इसमें से कैलेंडर उल्टा चल रहा है, रातें भी इतवारें भी, ईद जीरो एक और डाल दे शकील भाई प्लीज, ईद की छुट्टियां भी, ईद की छुट्टियां भी, हड़तालें भी, सब निकाल के 40 साल, अच्छा चलो मैं बहरहाल शकील भाई की इसी तरह 40 और नॉटी हम यही बोलेंगे, हाँ। शकील भाई रहे, और शकील भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, मौज़ूज़ ख़वातीनों हज़रात शकील सिद्दीकी और मुझे दीजिए इजाज़त, सपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।